हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारा, उसके सारे थ्योरम हम आज करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जो सिमिलैरिटी लेसन है हमारा ज्योमेट्री का, दैट इज लेसन नंबर 1, उसके सारे थ्योरम्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ओके, एक ही वीडियो में सारे थ्योरम्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी थ्योरम्स वाली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसमें टोटल हमारे पास 4 थ्योरम्स है। ओके, जो सबसे पहला थ्योरम है ये है हमारा सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, नाम देख लो, नाम से थ्योरम्स को पहचानने की कोशिश करो। तो ये जो फर्स्ट थ्योरम है इसका नाम है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि इस थ्योरम में हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स और राइट एंगल ट्रायंगल्स का कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। ओके, ये फर्स्ट थ्योरम है। और सेकेंड थ्योरम जो है वो है हमारा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। और थर्ड थ्योरम जो है वो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, थर्ड थ्योरम हमारा पाइथागोरस थ्योरम है एंड द फोर्थ थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 4 थ्योरम्स हम लोग करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है ना, ये बड़ा ही काम का है, ये बड़ा ही काम आता है। ये जो थ्योरम है ना, वो हमको जो हमारा सेकेंड थ्योरम है ना, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, उसमें भी काम आएगा। यानी कि उसको अगर हमको प्रूफ करना है, सेकेंड थ्योरम को अगर हमको प्रूफ करना है, तो उसके लिए ये थ्योरम लगेगा। और जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है ना, उसमें भी ये वाला थ्योरम यूजफुल होता है। तो मतलब ये जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है, ये हमारे बाकी के जो 2 थ्योरम है, दैट इज थ्योरम नंबर 2 एंड थ्योरम नंबर 3, उसको प्रूव करने में हमारी मदद करता है। तो अगर आपको ये थ्योरम समझ में नहीं आता है, तो मतलब आप आगे के 2 थ्योरम्स नहीं कर पाओगे। तो इस थ्योरम को समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस थ्योरम को अगर इस थ्योरम के ऊपर बाकी के हमारे 2 थ्योरम्स और डिपेंडेंट है। ओके, समझ रहे हो? तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको समझने की कोशिश करना मेरे साथ। मैं तो आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 1। तो यहाँ पे देखो, ये थ्योरम का स्टेटमेंट हमको क्या बोलता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस देन द 2 ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। ओके, यहाँ पे ये थ्योरम का स्टेटमेंट हमको क्या बोल रहा है, सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, यस वेरी गुड, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, विच इज राइट एंगल एट एंगल बी। इसका मतलब होता है एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और वहां पे क्या है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, एक एल्टीट्यूड है जो हमने कहाँ पे ड्रॉ की है, हाइपोटेनस के ऊपर ड्रॉ की है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, हमारी एल्टीट्यूड है। यहाँ पे ये जो सेगमेंट बीडी है ना, वो क्या है, हमारी एल्टीट्यूड है जो हमने कहाँ पे ड्रॉ की है, हाइपोटेनस के ऊपर ड्रॉ की है ना। यहाँ पे देखो, ये हमारा हाइपोटेनस है, दैट इज एसी हमारा हाइपोटेनस है। तो ये एसी जो है हमारा, यानी कि ये जो हाइपोटेनस है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया है। व्हाट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर सेगमेंट भी बोल सकते हो या हाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो बीडी है वो क्या है, हमारा एल्टीट्यूड है विच इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इस एल्टीट्यूड के वजह से 2 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड होते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, ये जो एल्टीट्यूड है इसके वजह से 2 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हुए हैं। कौन से ट्राइंगल, एक तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल, एक तो यहाँ पे देखो ये नीचे वाला ट्राइंगल है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, देन द 2 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि इस एल्टीट्यूड के वजह से 2 जो ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हुए है, वो दोनों ट्राइंगल्स किसको सिमिलर हो गए, ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर हो गए। और यहाँ पे हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल कौन है, हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है ये वाला, दैट इज ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ये जो हमारा ट्राइंगल एबीसी जो है, वो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हुए है ना, वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल को,
ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो खुद को यानी कि आपस में भी क्या होगे, सिमिलर होगे, दे विल बी सिमिलर टू ईच अदर ऑल्सो। तो ये है हमारा थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट समझा? थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और वहां पे क्या है, एक एल्टीट्यूड है, और वो एल्टीट्यूड कहाँ पे ड्रॉ किया है, टू द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के ऊपर ड्रॉ किया है। तो ये जो एल्टीट्यूड है इसके वजह से दो ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो दो ट्राइंगल्स है वो किसको सिमिलर होते हैं, वो ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर होते हैं, और वो दोनों ट्राइंगल्स खुद में यानी कि खुद आपस में भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये हमारा थ्योरम है, समझ में आया? चलो अब एक गीवन लिखते हैं। गीवन आप अपने ओन से भी लिख सकते हो। गीवन में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो ट्राइंगल एबीसी है यहाँ पे हम लोग गीवन में लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास ये जो एंगल ए बी सी है, ध्यान से देखो, एंगल ए बी सी मतलब ये जो एंगल बी है वो क्या है हमारे पास, 90 डिग्री है, ये गीवन में आ जाएगा। और हमारे पास गीवन में क्या है कि ये जो सेगमेंट बीडी है, ये जो सेगमेंट बीडी है वो किसको परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस एसी को परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेगमेंट बीडी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस एसी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं लिखना है, सिर्फ सेगमेंट लिखना है तो भी चलेगा, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेगमेंट बीडी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एसी, या हाइपोटेनस एसी भी लिख सकते हो, दिस इज वन एंड द सेम, ठीक है। चलो ये हमारा गीवन में है। अब हमको प्रूव क्या करना है, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रूव जो है ना, ये टू प्रूव जो करना है ना, वो बच्चे लिख नहीं पाते हैं, उसे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ क्या प्रूव करना है। सबसे पहले तो हमको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे देखो ये एल्टीट्यूड की वजह से दो ट्राइंगल्स फॉर्म हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ये क्या होगा, सिमिलर होगा किसको, हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल को, दैट इज ट्राइंगल एबीसी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव कि जो ट्राइंगल ए डी बी जो है, ट्राइंगल ए डी बी जो है, दैट इज सिमिलर टू अ ट्राइंगल, ओरिजिनल ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो हम लोग ने वर्टाइसिस को जिस भी ऑर्डर में लिखा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मैटर करता है। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिख सकते, यानी कि वर्टाइसिस का ऑर्डर कैसे भी नहीं लिख सकते, हमको वर्टाइसिस को ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना ये मैंने वर्टाइसिस को इस ऑर्डर में क्यों लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो ट्राइंगल ए डी बी जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, बरोबर। मैं इसको थोड़ा सा सेपरेटली ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये है हमारा ट्राइंगल ए डी बी, ओके, ए डी बी। और अगर आप लोग ये ट्राइंगल ए डी बी में देखोगे तो ये जो एंगल डी है वो हमारा 90 डिग्री है ना। ये वाला जो एंगल है यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री नहीं है। ये जो पूरा एंगल बी है ना, यहां से लगा के यहां तक, वो हमारा 90 डिग्री है। तो ये जो है ना वो क्या है, टुकड़ा है, ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है ये पूरे एंगल का, ओके। तो इस केस में जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है वो है ये। तो ट्राइंगल ए बी बी को अच्छे से ऑब्जर्व किया, अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी को ऑब्जर्व करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। तो उसका फिगर मैं यहां पे बनाती हूँ। ये देखो, ये है हमारा ट्राइंगल ए बी सी, और ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इसमें जो 90 डिग्री का एंगल है वो है ये, ठीक है। तो अगर तुम लोग ये दोनों ट्राइंगल को देखोगे, ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग को सिमिलर दिखाना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, वर्टाइसिस का कनेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये जो हमारा वर्टेक्स डी है और इस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स बी है, इनका आपस में क्या है, कनेक्शन है, क्योंकि ये दोनों जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री के है। इसलिए यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे सेकेंड पोजिशन में वर्टेक्स डी लिखा है तो यहाँ पे मैंने सेकेंड पोजिशन में वर्टेक्स बी लिखा है, क्योंकि ये दोनों का आपस में क्या है, कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस ट्राइंगल में क्या है, ये वर्टेक्स ए है, और इस ट्राइंगल में भी क्या है, वर्टेक्स ए है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन एंगल हो जाएगा ये दोनों ट्राइंगल का, है ना। ये वाला जो एंगल है वो इस ट्राइंगल में भी है और जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसमें भी है। इसलिए देखो, इस ये जो लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन में ए लिखा है और यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट पोजिशन में ए लिखा है, क्योंकि ए ए का क्या है, कनेक्शन है, डी और बी का कनेक्शन है, और बचा क्या, बचा कौन सा वर्टेक्स बचा, बी और सी, तो बी और सी का कनेक्शन होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बी लिखा है,
और उसी के साथ यहाँ पे मैंने सी लिखा है थर्ड पोजीशन में। तो ये वर्टेक्स के ऑर्डर बहुत मैटर करते हैं। अगर आप वर्टेक्स के ऑर्डर बरोबर नहीं लिखोगे तो मतलब ये रॉन्ग है। तो टू प्रूव, ये जो टू प्रूव लिखना है ना, ये एक चैलेंज है ये थ्योरम का, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है, नंबर वन हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। नंबर वन हमको ये वाला प्रूव करना है। नंबर टू हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो यहाँ पे एक और एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ है ना नीचे की तरफ, ये क्या होगा, ये भी किसको सिमिलर होगा, ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर होगा। तो नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है उसको क्या लिखेंगे, ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी। और यहाँ पे देखो ये वर्टेक्स के ऑर्डर मैंने ऐसे क्यों लिखे है, यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। यहाँ पे देखो ट्राइंगल बी डी सी जो है उसको थोड़ा सा मैं सेपरेट बनाती हूँ, ठीक है, ट्राइंगल बी डी सी। तो यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल बी डी सी में ये जो एंगल डी है, एंगल डी जो है ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, बरोबर। यहाँ पे देखो ये अगर परपेंडिकुलर है, मतलब ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल ही होगा, ओके। और जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, उसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है ए बी सी, और इसमें जो 90 डिग्री का एंगल है वो है ये, यानी कि वर्टेक्स डी और वर्टेक्स बी का कनेक्शन है। और यहाँ पे देखो अगर तुम ये दोनों ट्राइंगल को देखोगे तो इसमें ये वर्टेक्स सी और वर्टेक्स सी क्या हो गए, हमारे कॉमन वर्टेक्स हो गए, दैट इज ये कॉमन एंगल होगा, ये सेम एंगल यहाँ पे भी है, ओके। यानी कि डी बी का कनेक्शन है, सी सी का ही कनेक्शन है, और बचा क्या, बचा ए, यहाँ पे बचा बी और यहाँ पे बचा ए, तो इन दोनों का कनेक्शन है। इसलिए यहाँ पे देखो मैंने ऑर्डर में लिखा है, ऑर्डर में क्या लिखा है कि यहाँ का वर्टेक्स बी और यहाँ का वर्टेक्स ए, इनका कनेक्शन है ना, तो बी और ए फर्स्ट पोजीशन में है, उसके बाद इस वर्टेक्स का डी और इस वर्टेक्स का बी, यानी कि डी और बी सेकेंड पोजिशन में, और सी सी का कनेक्शन है इसलिए सी सी थर्ड पोजिशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर ही बच्चे मिस्टेक करते हैं और वो थोड़ा सा मतलब क्या करते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता है और उनकी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना था कि ये जो हमारा एल्टीट्यूड है इसके वजह से दो ट्राइंगल्स जो फॉर्म्ड हुए हैं वो क्या है, सिमिलर है ओरिजिनल ट्राइंगल को। और हमको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो आपस में एक दूसरे को खुद भी सिमिलर है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि दिस टू ट्राइंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर, ये हमको प्रूव करना है। तो थर्ड चीज हमको प्रूव करनी है, थर्ड चीज हमको क्या प्रूव करनी है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है। अब इसके वर्टाइसिस भी ऑर्डर में लिखने हैं, तो दैट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ए डी बी, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे थर्ड चीज हमको जो प्रूव करनी है दैट इज ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू व्हाट, इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, बी डी सी, ओके। यहाँ पे देखो ये जो वर्टाइसिस के ऑर्डर है ना, मतलब ये दोनों लिख दो हमारे थर्ड में, थर्ड प्रूफ जो करना है ना उसमें ये दोनों ट्राइंगल हमको सिमिलर प्रूव करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख के यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो, ओके, समझ में आया। सबसे पहले हमको प्रूव करना है कि ये दो जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हुए हैं वो सिमिलर है ओरिजिनल ट्राइंगल को, एंड देन लास्टली हमको क्या प्रूव करना है, थर्ड प्रूफ कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में भी एक दूसरे को सिमिलर है, ओके। तो ये हमारा टू प्रूफ है। चलो अभी प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ पर ही आपको प्रूफ बता दिया है, इतना सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे और इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी, एंड कौन सा ट्राइंगल, यस वेरी गुड, एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब आप लोग देखो ये ट्राइंगल ऊपर वाला ट्राइंगल और जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है उसको देखो, और यहाँ पे देखो आपको क्या नजर आएगा कि इस ट्राइंगल में क्या है, एंगल ए है, और इस ट्राइंगल में भी क्या है, एंगल ए है, यानी कि ये क्या है, कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल का। तो मतलब एंगल ए इज कॉमन टू एंगल ए, रीजन हो जाएगा हमारा कॉमन एंगल, ओके। वो तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, वहां पे देखो सेपरेट फिगर ड्रॉ करके बताया था। यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल ए डी बी है और जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, उनका कॉमन एंगल हो जाएगा, ओके, क्लियर है। फर्स्ट ये मिल गया, सेकेंड हमको क्या मिलेगा, ये जो हमारा ट्राइंगल है इसमें ये जो एंगल डी है, ओके, और ये जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है इसमें जो एंगल बी है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, बिकॉज ईच 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे लिखेगी एंगल ए डी बी
एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट एंगल ए बी सी. एंगल ए बी सी रीजन क्या हो जाएगा? यस वेरी गुड, ईच 90 डिग्री. तो यानी कि हमने क्या दिखा दिया, ये दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए. तो दैट इज इनफ, बस इतना बहुत हो गया. अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए डी बी जो है दैट इज सिमिलर टू व्हाट ट्राइंगल ए बी सी. एंड द रीजन इज व्हाट? यस वेरी गुड, बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ओके, ये जो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है वो हमने चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से किया है. तो आपको पता ही है कि अगर हमको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है तो अगर हमने वो दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो दैट इज इनफ, हम बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. और इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1. तो ये मतलब ये प्रूफ हो गया. सिंपल, कितना इजी था यार, बच्चों वाला था, है ना. चलो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग ये वाला प्रूव करेंगे, यानी कि सेकेंड प्रूव करेंगे. अभी नाउ नाउ करके हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल बीडीसी. ओके, इन ट्राइंगल बीडीसी एंड कौन सा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल एबीसी. तो आप देखो ये दोनों जो ट्राइंगल है इसमें क्या है, ये जो ट्राइंगल बीडीसी है और जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है एबीसी, उसमें क्या है, ये जो एंगल सी है ना, एंगल सी जो है ये क्या है, कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल का. तो यहाँ पे लिख दे के एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट एंगल सी, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, क्या बोलेगे, कॉमन एंगल. ठीक है, क्लियर है, फर्स्ट समझा. ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा. हाँ वेरी गुड, यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल बी डी सी जो है इसमें क्या है, एंगल डी हमारा 90 डिग्री है और जो ओरिजिनल ट्राइंगल है इसमें एंगल बी 90 डिग्री है ना. तो मतलब एंगल, ये जो एंगल बी डी सी है, एंगल बी डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट एंगल ए बी सी, यानी कि एंगल डी और एंगल बी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगे. एंड रीजन इज वेरी सिंपल, ईच 90 डिग्री. तो यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, बाय बाय क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ओके, क्लियर है. तो यानी कि ये जो सेकेंड वन हमको प्रूव करना था वो भी हमने कर दिया. अब फाइनली हम लोग थर्ड वन करेंगे. तो थर्ड वन बहुत ही सिंपल है. थर्ड वन के लिए देखो यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताती हूँ. ओके, थर्ड वन तो देखो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ये, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए डी बी जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू व्हाट ट्राइंगल बी डी सी. अब ये कैसे, तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे तुम लोगों को एक प्रॉपर्टी मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांसिटिविटी. ओके, इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांसिटिविटी. ये हमारा चैप्टर नंबर 1 जो सिमिलैरिटी है ना उसमें हमने ये प्रॉपर्टी की है. तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये प्रॉपर्टी क्या है, सपोज करो कि एक ट्राइंगल 1 है, ट्राइंगल 1 है वो क्या है, सिमिलर है किसको, ट्राइंगल 2 को. एंड एंड जो ट्राइंगल 2 है वो क्या है, सिमिलर है किसको, ट्राइंगल 3 को. तो देयरफॉर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल 1 होगा दैट विल बी सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल 3. यानी कि ट्राइंगल 1 जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल 3. तो ये है हमारा, ये है हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रांसिटिविटी. मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल 1 है वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल 2 को, एंड हमारे पास ट्राइंगल 2 है वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल 3 को. तो यहाँ पे देयरफॉर हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल 1 होगा और जो ट्राइंगल 3 होगा वो भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे. तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ट्रांसिटिविटी. इसका मतलब क्या है कि ये जो सिमिलर सिमिलर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो ट्रांसफर हो रहा है ना, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3 ऐसे, तो ट्रांसफर हो रहा है. तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 में ध्यान से देखना भैया, इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है इक्वेशन नंबर 1 में कि ये जो ट्राइंगल ए डी बी जो है, ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए डी बी जो है दैट इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल ए बी सी. ओके, एंड हमारे पास क्या है, एंड हमारे पास क्या है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो किसको सिमिलर है, ट्राइंगल बी डी सी को.
दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीडीसी. तो देयरफॉर हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल एडीबी होगा, ट्राइंगल एडीबी जो होगा, दैट विल बी सिमिलर टू व्हाट ट्राइंगल, ट्राइंगल बीडीसी. तो यही हमको प्रूव करना था, दैट इज थर्ड प्रूफ. तो थर्ड प्रूफ भी हमने कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2. तो हम ऐसे बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and from equation number 2, we can say कि जो triangle ADB होगा, that will be similar to triangle BDC. Okay, ये समझा ना? ये property को हम लोग transitivity बोलते हैं. और ये property क्या है? देखो, यहाँ पे ये जो triangle है, वो इस triangle को similar है, और ये जो triangle है, वो इस triangle को similar है. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो triangle है, वो क्या होगे? सिमिलर होगे. और यही हमको प्रूव करना था. ठीक है, आपके बुक में प्रूव बहुत अच्छे से लिखा है, आप वहां से भी देख सकते हो. तो चलो, ये हो गया हमारा फर्स्ट थ्योरम. ये जो थ्योरम है ना, इसको याद रखना. सेकेंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, वहां पे ये थ्योरम बहुत काम आएगा. और इसको, ये जो है ना टू प्रूव जो करना रहता है ना, ये इसको 5 times लिख के प्रैक्टिस करो. इसको क्या करोगे आप? 5 times लिख के प्रैक्टिस करो कि यहाँ पे ये जो वर्टाइसेस है वो मैंने कैसे आपको बताया है, उस हिसाब से आप सोच के इसको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करो, बिकॉज दिस इज रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो करते हैं थ्योरम नंबर 2, दैट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. तो चलो अभी हम लोग करते हैं सेकेंड थ्योरम, दैट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. तो सबसे पहले आपको ये ज्योमेट्रिक मीन जो है ना, वो समझना पड़ेगा. अगर वो नहीं आता है आपको, तो मतलब आपको थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा, और थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा तो मतलब प्रूफ कैसे समझ में आएगा. बरोबर? ओके, तो पहले ज्योमेट्रिक मीन समझ ले. ओके, चलो समझ लेते हैं. अब यहाँ पे देखो, ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या होता है. जैसे कि हम बोलते हैं ना, 2L जो है, 2L जो है, दैट इज व्हाट, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 16 and 9. ओके, हम ऐसे बोलते हैं ना कि 12 जो है वो क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है. ज्योमेट्रिक मीन है किसका? 16 and 9 का. इसका मतलब क्या होता है कि जो 12 का स्क्वायर होगा, जो 12 का स्क्वायर होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 16 into 9. ओके, या फिर अगर कहां पे भी ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है ना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो 12 है वो क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है 16 and 9 का. ओके, इसका मतलब क्या होगा कि जो 12 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144. और ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी क्या होगा? 144 होगा. ओके, दैट इज 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 into 9. ओके, वैसे ही अनदर एग्जाम्पल देखो, अनदर एग्जाम्पल बताती हूँ. जैसे कि हाँ, 6 जो है, 6 जो है वो क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है. ज्योमेट्रिक मीन है किसका? 9 and 4 का. तो इसका मतलब क्या होता है कि जो 6 का स्क्वायर होगा, अब आप लोग 6 का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा? 36 मिलेगा. और 9 into 4 करोगे तो वो भी क्या मिलेगा आपको? 36 मिलेगा. तो अगर हम क्या बोलते हैं, 6 जो है वो क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है 9 and 4 का. तो इसका मतलब 6 का जो स्क्वायर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 9 into 4. ठीक है, समझ में आया? ज्योमेट्रिक मीन मतलब समझ में आया. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये थ्योरम के स्टेटमेंट को समझेंगे. तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू व्हिच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड. यहाँ पे देखो, ये स्टेटमेंट क्या बोलता है. सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल पी क्यू आर. ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, विच इज राइट एंगल एट एंगल क्यू. इसका मतलब एंगल क्यू क्या होगा हमारा? 90 डिग्री का एंगल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये थ्योरम क्या बोलता है, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनाया है हमने, हाइपोटेनस के ऊपर एक परपेंडिकुलर सेगमेंट बनाया है. बरोबर? यहाँ पे देखो, ये जो आरपी है वो क्या है हमारा? हाइपोटेनस है इस राइट एंगल ट्राइंगल का, है ना. दिस इज अवर हाइपोटेनस. और ये जो हाइपोटेनस है उसके ऊपर हमने क्या बनाया है? एक परपेंडिकुलर सेगमेंट बनाया है. और इस परपेंडिकुलर सेगमेंट को हम लोग ने कहां से बनाया है? अपोजिट वर्टेक्स से बनाया है. अपोजिट वर्टेक्स से बनाया है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे देखो, ये जो हाइपो है ना,
इसका जो अपोजिट वर्टेक्स होगा, ये जो हाइपोटेनस है हमारी, इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है वहां से क्या किया है हमने, एक परपेंडिकुलर सेगमेंट बनाया है टू द हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये जो हमारा SQ है वो क्या है, परपेंडिकुलर सेगमेंट है। तो यहाँ पे ये थ्योरम क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। यानी कि यहाँ पे ये हमको थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है ना वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा किसका, किसका, किसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा हाइपोटेनस है वो किसमें डिवाइड हुआ है, एक तो ये वाले सेगमेंट में डिवाइड हुआ है और एक ये वाले सेगमेंट में डिवाइड हुआ है ना। तो यानी कि ये जो हमारा QS है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो हमको प्रूव करना है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यानी कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर सेगमेंट है दैट इज QS, ये जो सेगमेंट QS है वो क्या होगा, इज ज्योमेट्रिक मीन, इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 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 सेगमेंट PS एंड सेगमेंट RS, यानी कि SR बोलो, ऑफ ऑफ, तो सेगमेंट QS इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑफ सेगमेंट PS एंड सेगमेंट SR। ओके, सेगमेंट PS एंड सेगमेंट एंड सेगमेंट SR, यानी कि हमको ये प्रूव करना है। यहाँ पे देखो ये थ्योरम क्या बोलता है, अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया, लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। क्या बोला है कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर सेगमेंट है वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। किसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। तो यहाँ पे देखो जो हमारा हाइपोटेनस है वो कौन से दो सेगमेंट में डिवाइड हुआ है, एक तो ये वाली सेगमेंट और एक ये वाली सेगमेंट में डिवाइड हुआ है। इसका मतलब ये जो QS है वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट PS एंड सेगमेंट SR। तो ये हमको प्रूव करना है, दैट इज इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन बताया है, तो दैट इज हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो QS का जो स्क्वायर होगा, QS का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, PS इंटू SR। ये हमको प्रूव करना है। ओके, ये हमको प्रूव करना है, अगर QS क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ द सेगमेंट PS एंड SR का, इसका मतलब वी हैव टू प्रूव दैट कि QS का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू ये दोनों सेगमेंट का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है, समझ में आया? ओके, तो ये हमको प्रूव करना है। थ्योरम का स्टेटमेंट आपको समझ में आ ही गया होगा, गिवन वाला पार्ट। मैं डर गई, मुझे लगा कि मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, इसलिए मैं फटाक से भाग के पहले तो चेक किया मैंने, ठीक है, सॉरी, अचानक मुझे याद आया और मैं भाग गई। ओके, गिवन वाला पार्ट तो हम लोग लिख ही सकते हैं। गिवन में क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR जो हमारा एंगल PQR है, यहाँ पे देखो ये एंगल लिखा है, ठीक है, एंगल PQR मतलब ये जो एंगल है वो क्या है हमारा, 90 डिग्री है। ओके, ये गिवन में आ जाएगा। और क्या लिखोगे गिवन में, गिवन में लिखेंगे सेगमेंट QS जो है, सेगमेंट QS जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, हाइपोटेनस PR लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली सेगमेंट PR भी लिख सकते हो, जो लिखना है वो आप लोग लिखो। तो ये सब गिवन में आ जाएगा। टू प्रूफ क्या करना है वो भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको प्रूव करना बहुत ही इजी है, यहाँ पे जो हमारा थ्योरम नंबर 1 है वो यूज होने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये रफ कर देती हूँ एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखो जो थ्योरम नंबर 1 हमने किया था वो हमको क्या बोलता है, थ्योरम नंबर 1 का नाम है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। वो थ्योरम हमको क्या बोलता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये एल्टीट्यूड है ना, मैंने बताया था ना एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर सेगमेंट ही होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक एल्टीट्यूड है जो हमने कहाँ पे ड्रॉ किया है, टू द हाइपोटेनस। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरम नंबर 1 हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एल्टीट्यूड है इसकी वजह से ये जो दो ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हुए हैं ये क्या हो गए, एक दूसरे को सिमिलर हो गए, राइट ये हमने किया है ना। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारा QSR होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल QSR जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू व्हाट, दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PSQ। ओके, ट्राइंगल PSQ,
ये समझ में आया? क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपने वर्टेक्स को अगर ऑर्डर में नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे आपके रॉन्ग होने के जो चांसेस है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने ये वर्टेक्स को ऐसे ऑर्डर में कैसे लिखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखो वो पूरे तीन फुल फॉर्म लिखने पड़ेंगे। देखो थ्योरम नंबर वन में हमने क्या बोला था, थ्योरम नंबर वन में हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पे देखो ये जो एल्टीट्यूड है इसके वजह से ये जो दो ट्राइंगल्स फॉर्म हुए हैं, इसमें से ये जो हमारे दो ट्राइंगल्स होंगे वो किसको सिमिलर होंगे, हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर होंगे। इसका मतलब क्या, जो हमारा ट्राइंगल क्यू एस आर है, ध्यान से सुनो, क्यू एस आर जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू अवर ओरिजिनल ट्राइंगल, और जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है वो क्या है, हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वर्टेक्स के ऑर्डर जरा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल क्यू एस आर है इसका एंगल एस क्या है, 90 डिग्री का है, और यहाँ पे देखो ये जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है उसमें एंगल क्यू 90 डिग्री का है, इसलिए ये दोनों को सेकेंड पोजिशन में लिखा है। और अगर तुम लोग ये ट्राइंगल को देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें वर्टेक्स आर है, और जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है उसमें भी क्या है, ये वर्टेक्स आर है, मतलब आर आर क्या होगा, हमारा कॉमन एंगल जैसा होगा, इसलिए आर आर को थर्ड पोजीशन में लिखा है। और जो वर्टेक्स बच गया, यानी कि इस ट्राइंगल में वर्टेक्स क्यू बच गया, और ये जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है उसमें वर्टेक्स पी बच गया, तो वो फर्स्ट पोजीशन में लिखा है। तो ऐसे ही ऑर्डर में लिखना, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग हमको क्या मिलती है कि ये जो नीचे ट्राइंगल फॉर्म हुआ है वो भी क्या होगा, किसको सिमिलर होगा, हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल को, दैट इज ट्राइंगल पी एस क्यू। ओके, पी एस क्यू विल बी सिमिलर टू व्हाट ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर। एंड थर्ड चीज हमको जो मिलती है वो क्या मिलती है कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में एक दूसरे को सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब कि ये दोनों जो ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल क्यू एस आर विल बी सिमिलर टू व्हाट ट्राइंगल पी एस क्यू, है ना। तो ये थर्ड चीज हमको मिलती है, तो ये हमको चाहिए, ये दोनों की हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको ये लास्ट वाला चाहिए। तो वहां पर यही लिखा है कि ट्राइंगल क्यू एस आर, ट्राइंगल क्यू एस आर विल बी सिमिलर टू व्हाट ट्राइंगल पी एस क्यू। तो ये वर्टाइसिस के ऑर्डर प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको लिख के, ठीक है। ये समझ में आया, ये पूरा नहीं लिखना है, यहाँ पे बस इतना लिखो ट्राइंगल क्यू एस आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस क्यू, एंड द रीजन क्या है, रीजन है हमारा जो थ्योरम का नाम है ना वो लिख दो, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल भी लिख सकते हो, या सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल भी लिख सकते हो, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स यानी कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमारा सिमिलर है, और रीजन हमने दे दिया। अभी देखो, अगर हमारे पास क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इन प्रपोर्शन होंगे, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, इसका कुछ काम नहीं, हमारा जो प्रूफ है वो यहां से ही स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये जो क्यू एस है अपॉन पी एस, ये दोनों का रेशियो दैट इज इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू, ठीक है। बस हमको ये दोनों रेशियोज की ही जरूरत है, रीजन के लिए लिखे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसका फुल फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, समझ में आया ना। यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स है ये दोनों ट्राइंगल की, इनका जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये वाली साइड ये दोनों हमारी करस्पॉन्डिंग साइड है ये दोनों ट्राइंगल की, तो ये साइड का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू ये साइड और ये साइड का रेशियो, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से अभी देखो, ये रेशियो को मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, दैट इज क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू। अब यहाँ पे देखो, जो हमको चाहिए ना वो हमारे नजरों के सामने है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो एस क्यू है उसको अगर हम लोग वहां पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज क्यू एस इंटू एस क्यू। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये जो हमारा डिवाइड में पी एस है इसको अगर हम लोग वहां पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज एस आर के साथ वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये क्यू एस है, ये भी क्यू एस है ना, क्यू एस क्या हो जाएगा, क्यू एस इंटू क्यू एस हो जाएगा, क्यू एस का स्क्वायर।
एंड दैट इज इक्वल टू एस आर इंटू पी एस, और यही हमको प्रूव करना था। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, सेम चीज मिली है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना, हाँ ये क्यू एस बोलो या एस क्यू बोलो, ये दोनों एक ही है। ओके, क्यू एस एस क्यू एक ही है, तो क्यू एस इंटू क्यू एस हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू एस आर इंटू पी एस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो क्यू एस है, ये जो क्यू एस है वो क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन है किसका? ऑफ द सेगमेंट एस आर एंड सेगमेंट पी एस। ओके, तो यही हमको प्रूव करना था, एंड हेंस हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। और ये प्रूव इतना जल्दी क्यों आया? इसके वजह से, ये जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है ना, वहां से हमको क्या मिलता है कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है वो क्या है? सिमिलर है। अगर वो सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए? इन प्रपोर्शन हो गए। बस उसी चीज का यूज किया। ये वाला स्टेप समझा कि नहीं? ये वाला स्टेप समझा कि नहीं? देखो ये डिवाइड में है, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बस सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। बस ये आपको बरोबर लिखना है, ये जो वर्टेक्स के ऑर्डर है ना वो राइट लिखना। अगर आपने वर्टेक्स के ऑर्डर राइट नहीं लिखे, इसका मतलब नीचे क्या होगा? गड़बड़ होगा। नीचे गड़बड़ होगा मतलब आगे भी गड़बड़ होगा, और ये हमको कभी भी जिंदगी में फिर मिलेगा ही नहीं। तो ये वर्टेक्स के ऑर्डर आप सही लिखना, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ठीक है, तो ये है हमारा थ्योरम नंबर टू, दैट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। देखो ये थ्योरम है ना इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि इसके रिलेटेड आपको, ये थ्योरम एग्जाम में नहीं आता है लेकिन इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो चलो अभी हम लोग थ्योरम नंबर थ्री करते हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं अपना थ्योरम नंबर थ्री, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता है, लेकिन आज हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम जो है आपने वो 8th स्टैंडर्ड से यूज करना चालू तो कर लिया था, लेकिन उसका प्रूफ जो है वो अभी आपको 10th स्टैंडर्ड में दिया है। ठीक है, अगर आप लोग बच्चों को यानी कि 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड वालों को भी पूछोगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो बता देते हैं, लेकिन उसका प्रूफ उनको नहीं पता, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको देखो थ्योरम का स्टेटमेंट समझाने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोला है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि अगर सपोज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो हाइपोटेनस होती है ना, जो हाइपोटेनस होती है उसका जो स्क्वायर होता है, उसका जो स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हाइपो क्या है हमारी एसी, दैट इज ये जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट? सम मतलब क्या? सम मतलब क्या? प्लस करना। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, और रिमेनिंग टू साइड कौन से हैं हमारे? ये दोनों, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये होता है हमारा हाइपोटेनस, और इसी बात को, इसी इक्वेशन को आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो ये आ जाएगा टू प्रूव में। टू प्रूव में हम लोग क्या लिखेंगे? AC का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। ओके, गिवन में क्या लिखोगे? बहुत सिंपल है, गिवन में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, जो हमारा एंगल ABC है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्राइंगल लिखा है, यहाँ पे एंगल लिखा है, तो छोटी छोटी डिटेल को देखो। इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी मतलब एंगल बी जो है वो क्या है अपना 90 डिग्री। तो ये बस गिवन में इतना ही आएगा, टू प्रूव में क्या आएगा समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं? यहाँ पे पहले तो मैं लिख लेती हूँ, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सेगमेंट, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सेगमेंट। यहाँ पे पहले तो मैं देख लेती हूँ आपके बुक में क्या लिया है, परपेंडिकुलर सेगमेंट बीडी लिया है, तो मैं भी वही लिखती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सेगमेंट बीडी ऑन साइड एसी। इसका मतलब क्या है? हम क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा हाइपोटेनस है ना, इसके अपोजिट वर्टेक्स से हम लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ये हाइपोटेनस के ऊपर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग ये देखो, ये जो वर्टेक्स है ना, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं
ये जो हाइपोटेनस है ना उसके ऊपर, यानी कि इस सेगमेंट को हम लोग नाम देंगे BD। तो यहाँ पे वही लिखा है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सेगमेंट BD। यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा एक परपेंडिकुलर सेगमेंट है और ये हमने कहाँ पे बनाया है, ऑन साइड AC। यहाँ पे देखो ये जो साइड AC है ना उसके ऊपर बनाया है, और जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है उसको डॉटेड लाइन से शो करो। तो यहाँ पे ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका जो प्रूफ है वो स्टार्ट होने वाला है जो हमारा थ्योरम नंबर 1 है वहां से। थ्योरम नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया है, इसलिए आपको थ्योरम नंबर 1 आना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका प्रूफ जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है कि ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या है, ये जो सेगमेंट BD है, ये जो सेगमेंट BD है वो किसको परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर है, दैट इज हाइपोटेनस AC को परपेंडिकुलर है। तो यानी कि जो हमारा थ्योरम है वो हमको क्या बोलता है, यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर सेगमेंट है मतलब ये एल्टीट्यूड है। तो जो थ्योरम नंबर 1 है वो क्या बोलता है कि ये जो एल्टीट्यूड है इसके वजह से ये जो दो ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हुए हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल को, और ये दोनों जो ट्राइंगल है वो आपस में एक दूसरे को खुद भी सिमिलर हो गए, है ना। ये हमारा थ्योरम नंबर 1 है। अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC ये जो हमारी सेगमेंट है वो क्या है, एल्टीट्यूड है, जो हमने हाइपोटेनस के ऊपर बनाई है, इसलिए हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है नीचे वाला जो ट्राइंगल है और जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है, ये तीनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। थ्योरम नंबर 1 जो है ना वो एक्चुअली में हमको क्या बताना चाहता है पता है, यहाँ पे ये जो दो ट्राइंगल्स फॉर्म हुए है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स और जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है, ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, वो है हमारा थ्योरम नंबर 1। तो वही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ओरिजिनल ट्राइंगल को लिखेंगे। तो ओरिजिनल ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू व्हाट, दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, ABB, ओके ABB, एंड दैट विल बी सिमिलर टू व्हाट, दैट विल बी सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल BDC, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल और जो ओरिजिनल ट्राइंगल है, ये तीनों ट्राइंगल एक दूसरे को क्या हो गए, सिमिलर हो गए। रीजन क्या होगा, रीजन होगा हमारा जो हमारा थ्योरम नंबर 1 है ना उसका जो हेडिंग है वो, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले आप क्या करना, ओरिजिनल ट्राइंगल लिखना, ठीक है। ओरिजिनल ट्राइंगल इज सिमिलर टू ऊपर वाला ट्राइंगल एंड दैट इज सिमिलर टू नीचे वाला ट्राइंगल, ये सब अच्छे से ऑर्डर में लिखना, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने तो पहले ही बताया है, वर्टेक्स का ऑर्डर लिखना मतलब ऑर्डर में लिखना, वरना गड़बड़ हो जाएगी आगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, दो पार्ट होंगे, ठीक है, दो पार्ट होने वाले हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला जो ट्राइंगल है वो लेंगे। यहाँ पे ये जो ओरिजिनल ट्राइंगल है और ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, ये ओरिजिनल ट्राइंगल, ध्यान से सुनना, ये जो ओरिजिनल ट्राइंगल और ये जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है, दैट इज नीचे वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग यूज करके आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है क्या, रुको बताती हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे हम, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो इसको नीचे लिखते हैं। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां से हमको क्या मिलता है कि ये जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, दैट इज सिमिलर टू व्हाट, दिस वाला ट्राइंगल मतलब कौन सा ट्राइंगल, ADB। तो अब अगर हमारे पास क्या है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा, तो वही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से लिखती हूँ, यहाँ पे मैं रीराइट करती हूँ। हमारे पास क्या है कि जो ट्राइंगल ABC है, दैट इज व्हाट, सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, AB/AD, दैट इज इक्वल टू BC/DB, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, AC/AB, ठीक है। और रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये रीजन आ जाएगा। ये समझा इतना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको तीन रेशियोज मिलते हैं,
लेकिन हमको ये तीनों रेशियोज की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ पे ये तीनों रेशियोज में से दो रेशियोज की जरूरत है। अब वो दोनों रेशियोज कौन से लेने हैं तो मैं आपको उसकी एक ट्रिक बताती हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि कोई भी हम लोग दो रेशियोज नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे हमको दो रेशियोज बहुत ही सोच समझ कर चूज करने हैं, क्योंकि हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई दो रेशियो उठाना मतलब। अब यहाँ पे देखो हम लोग कौन से दो रेशियोज लेंगे, यहाँ पे ऐसे दो रेशियोज नीचे फॉरवर्ड करना जिसमें क्या होगा ए बी होगा, जिसमें क्या होगा ए बी होगा। तो यहाँ पे देखो इस रेशियो में ए बी है और इस रेशियो में ए बी है, मतलब ये दोनों रेशियोज को अभी हम लोग नीचे लिखेंगे, दैट इज ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। हमको इस रेशियो की कोई भी जरूरत नहीं थी, ओके तो हमने ये दोनों रेशियोज को नीचे फॉरवर्ड करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो ये जो ए बी है वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज ए बी इंटू ए बी एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये ए बी सॉरी ये ए बी डिवाइड में है, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज ए सी इंटू ए बी। तो यहाँ पे ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए बी, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर टू। ये स्टेप समझाना, ये समझा ठीक है, अगर नहीं समझा तो लास्ट में एक बार फिर से समझाऊंगी। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, कौन से दो ट्राइंगल्स लेने हैं, मैंने बताया था ना ये ओरिजिनल ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दैट इज ओरिजिनल ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल लेने हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल एबीसी जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है दैट इज सिमिलर टू व्हाट ट्राइंगल बी डी सी, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो अगेन हम लोग क्या बोलेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन डी सी एंड दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो यहाँ पे रीजन में क्या लिखोगे, अगेन ये सेम रीजन, ओके करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ओके। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, ये तीनों रेशियो में से दो रेशियोज को नीचे फॉरवर्ड करना है, और वो दो रेशियोज कौन से होंगे, तो यहाँ पे फिर से सुनो, यहाँ पे हम लोग ऐसे दो रेशियोज को नीचे फॉरवर्ड करेंगे जिसमें क्या होगा बीसी होगा, क्या होगा बीसी होगा। यहाँ पे देखो ये जो टू प्रूफ में लिखा है ना उससे देख के, उसमें देख के मैं ये बता रही हूं कि नीचे कौन से दो रेशियो को फॉरवर्ड करना है, तो इसमें हम लोग कौन से दो रेशियोज को नीचे फॉरवर्ड करेंगे जिसमें बीसी होगा। तो बीसी एक तो ये वाले रेशियो में है और एक ये वाले रेशियो में है, बीसी बीसी है ना, इस रेशियो में नहीं है मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी हमको, तो ये दोनों रेशियोज को हम लोग नीचे लिखेंगे, दैट इज बीसी अपॉन डीसी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बीसी। अब हम लोग सेम यहाँ पे जैसा किया है वैसा करेंगे, तो ये बीसी यहाँ पे डिवाइड में है वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, दैट इज बी सी इंटू बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए सी है ये डिवाइड में है बी सी वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे बी सी इंटू बी सी हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे है ए सी इंटू डी सी, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर थ्री। क्लियर है इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग टू प्रूफ में देखेंगे तो हमको क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो है, यानी कि ये दोनों का जो एडिशन है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू क्या चाहिए हमको, ए सी स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर टू और थ्री को क्या करेंगे, एड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एड है ना, मतलब इसका और इसका एडिशन चाहिए हमको। तो अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एडिंग, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री। तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा, दैट इज ए बी स्क्वायर, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और जो हमारा राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ए सी इंटू ए डी, ओके प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए सी इंटू डी सी, ओके यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हुआ और राइट हैंड साइड से ऐड हुआ, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे देखो ये दोनों को देखो, ये दोनों क्या है साथ में है और ये दोनों साथ में है, इनके बीच में प्लस साइन है। तो अब यहाँ पे देखो ये दोनों में से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कौन सा सेगमेंट कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ए सी है और यहाँ पे भी ए सी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये ए सी को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, बरोबर ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्या बच जाएगा ए डी बच जाएगा और ये प्लस साइन, और यहाँ पे क्या बच जाएगा डीसी बच जाएगा, ठीक है यहाँ पे ये डीसी है,
जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए मैं फिर से लिख देती हूँ। यहाँ पे है हमारा ये डी सी, ओके यहाँ पे देख लो ये डी सी है। तो हमने क्या किया, ये ए सी, ए सी को बाहर कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे बच गया ए डी प्लस यहाँ पे क्या बच गया डी सी। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और यहाँ पे देखो ये जो ए डी प्लस डी सी है, अगर तुम लोग फिगर में देखोगे ये है ए डी और ये है हमारा डी सी। ए डी प्लस डी सी करते हैं, अगर ये दोनों सेगमेंट को हम लोग प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ए सी ही मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं ए सी, क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं तो दिमाग लगाओ ना, यहाँ पे बताती हूँ। देखो अगर हम लोग क्या करते हैं ए डी प्लस डी सी करते हैं तो दैट इज इक्वल टू वॉट ए सी। वाई ए सी, बिकॉज ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। दैट इज पॉइंट ए, पॉइंट डी, पॉइंट सी क्या है, कोलिनियर है। इसलिए हमने बोला कि ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी। एंड रीजन में लिखे गए पॉइंट ए, पॉइंट डी, पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इसलिए हमने इसके जगह पे ए सी लिखा। अब एक लास्ट फाइनल स्टेप है हमारा, दैट इज हमको क्या मिला, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इनके बीच में इंटू है, ठीक है, ए सी इंटू ए सी हो जाएगा ए सी स्क्वायर। एंड हेंस हमको यही प्रूव करना था। देख लो हमको क्या प्रूव करना था, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, पहले तो मैं देख लेती हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। तो दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ए सी स्क्वायर है, यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो यही हमको प्रूव करना था और हमने कर लिया। समझ में आया? देखो नहीं समझ में आया फिर से बताती हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह सब समझ में आ गया था। कंस्ट्रक्शन में क्या किया था हमने, ये सेगमेंट बी डी बनाया ऑन साइड ए सी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में एक और एक चीज लिख सकते हो कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। सच दैट करके यहाँ पे लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन में, सच दैट कि ये जो पॉइंट ए डी और सी है वो क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर वाली कंडीशन को ऐसे दिखाते हैं, ओके। चलो अभी प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ की शुरुआत जो है वो ये थ्योरम से होती है, दैट इज थ्योरम नंबर वन। थ्योरम नंबर वन में बोलू ना आपको क्या बोलता है पता है, कि ये जो एल्टीट्यूड है ना, जिसके इस एल्टीट्यूड की वजह से जो दो ट्राइंगल्स फॉर्म हुए हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं किसको, ओरिजिनल ट्राइंगल को। और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे को खुद भी सिमिलर होते हैं, या हम अगर इसको कंबाइन कर ले तो इसका मतलब होता है कि ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और जो ओरिजिनल ट्राइंगल है, ये तीनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को क्या होगे, सिमिलर होगे बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ये हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है, ये हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल एबीसी। तो मैंने सबसे पहले ओरिजिनल ट्राइंगल लिखा, ठीक है। ओरिजिनल ट्राइंगल इज सिमिलर टू अपवर्ड, ये वाला ट्राइंगल, एंड दैट इज सिमिलर टू ये डाउनवर्ड वाला ट्राइंगल। इसको इक्वेशन नंबर वन दे देंगे एंड रीजन लिख देंगे। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन से हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो ये दोनों चीज बहुत, ये स्टेप है ना, ये स्टेप और ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टेप में क्या करना है, हमको ओरिजिनल ट्राइंगल लेना है और ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेना, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या करना है, ओरिजिनल ट्राइंगल लेना है और नीचे वाला ट्राइंगल लेना, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो जो हमारा ये वाला जो है कि और दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हमने तीनों करस्पॉन्डिंग साइड लिख दिए, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख दिया, बट ये तीनों में से हमको सिर्फ दो रेशियोज की जरूरत है। और कौन से दो रेशियोज लेंगे, तो मैंने आपको बताया था, कुछ तो बताया था, क्या बोला था, ऐसे दो रेशियोज ही लेना जिसमें क्या होगा, ए सी होगा, सॉरी ए बी होगा, रियली सॉरी क्या होगा, ए बी होगा। तो एक तो इस रेशियो में ए बी है और एक इस रेशियो में ए बी है, तो इन दोनों को नीचे फॉरवर्ड करेंगे और फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर टू मिला। फिर यहाँ पे अगेन, यहाँ पे देखो इसके ऊपर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन वन। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन अगेन हम क्या बोलेंगे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है वो लिख देंगे। अब ये तीनों रेशियो में से नीचे कौन से दो रेशियो फॉरवर्ड करेंगे, तो ऐसे दो रेशियोज फॉरवर्ड करना जिसमें बी सी होगा, तो बी सी यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब ये दोनों रेशियोज को नीचे फॉरवर्ड करना है। इसको सिंप्लीफाई कर देना, आपको इक्वेशन थ्री मिल जाएगा। फिर इक्वेशन नंबर टू और थ्री को एड कर देना, ओके। ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड से ऐड होगा। उसके बाद यहाँ पे एसी कॉमन निकलेगा, एसी को बाहर निकालना,
एडी प्लस डीसी जो है, एडी प्लस डीसी जो है देख लो, एडी प्लस डीसी जो है वो किसके इक्वल होगा, एसी के इक्वल होगा, यानी कि इसके नीचे एसी, एसी इंटू एसी, एसी स्क्वायर, यानी कि जो हमको चाहिए था वो मिल गया। तो ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई थ्योरम ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई पर्टिकुलर स्टेप समझ में नहीं आती है तो प्लीज उसको पीछे पीछे करके, वीडियो को पीछे करके फिर से देखो। जब तक समझ में नहीं आता है तब तक प्लीज आगे मत बढ़ो, ओके। चलो अब फाइनली हम अपना फोर्थ थ्योरम करेंगे, दैट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है, कन्वर्स मतलब क्या होता है, कन्वर्स मतलब अपोजिट, या फिर वी कैन ऑल्सो से उल्टा, ओके उल्टा। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसका ही उल्टा यानी कि इसका ही कन्वर्स अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसका जो गिवन है, इसका जो ये गिवन है ना, वो हमारे कन्वर्स का क्या होगा, टू प्रूव होगा। वो क्या होगा, हमारे कन्वर्स का टू प्रूव होगा। और ये जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसका जो टू प्रूव है, इसका जो टू प्रूव है वो हमारा क्या होगा, गिवन होगा, किसका, कन्वर्स का, ओके गिवन होगा कन्वर्स का। तो ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना और मैं आपको ऑब्जर्व करने को मजबूर करूंगी। तो चलो फाइनली हम अपना फोर्थ थ्योरम करते हैं, दैट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसको नोट डाउन करो। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके स्टेटमेंट को समझते हैं, ये हमारा लास्ट थ्योरम है, दैट इज थ्योरम नंबर 4। यहाँ पे देखो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे देखो ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, सपोज करो कि एक ट्राइंगल है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, सिर्फ एक ट्राइंगल है, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसा हम प्रूव करने वाले हैं, ओके। तो थोड़ा सा वर्डिंग को ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थ्योरम नंबर 4 यानी कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है कि एक साइड का जो स्क्वायर है, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, तो हम बोलेंगे कि वो जो ट्राइंगल है वो कोई ऐसा फालतू ट्राइंगल नहीं है, वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया टेंशन नको, था मम्मी तुम्हारा फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर एक ट्राइंगल है, एक सिर्फ ट्राइंगल है, इस फिगर को देखो, इस फिगर को मत देखना, ये फिगर क्यों बनाया है मैं आपको बताऊंगी। अगर सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसमें क्या है, एक साइड का जो स्क्वायर है, ध्यान से सुनना, उसमें क्या है, सपोज करो गिवन में क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, ये जो ट्राइंगल है इसमें अगर हमारे पास क्या है, एक साइड जो है, ये जो साइड है उसका जो स्क्वायर है, एक साइड का जो स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, रिमेनिंग टू साइड हमारे कौन से हो गए, ए बी और बी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी और बी सी। यानी कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसमें हमारे पास क्या है, एक साइड का जो स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, अगर ऐसा कुछ है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो ट्राइंगल है वो क्या होगा, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। यानी कि यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, क्योंकि इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, ऐसा है, ऐसा है मतलब क्या है, एक साइड का जो स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये जो ट्राइंगल है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। और वो राइट एंगल कौन से एंगल में है, यानी कि कौन सा एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ पे देखो ये जो साइड है ना, ये जो एसी साइड है ना, ये सबसे लार्जेस्ट साइड होगी इस ट्राइंगल की, और ये जो एसी साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा ना वो होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल, ऐसा हम लोग प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे टू प्रूव क्या करेंगे कि एंगल ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी जो है वो हमारा 90 डिग्री है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है ऐसा हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग ये 90 डिग्री वाला सिंबल नहीं बना सकते इस फिगर में, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो हम प्रूव कर रहे हैं ना, गिवन में थोड़ी ना दिया है, इसलिए हम यहाँ पे 90 वाला ये जो सिंबल है, ऐसा वाला सिंबल यहाँ पे नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये जो साइड होती है ना, ये जो साइड होती है ना, ये सबसे लार्जेस्ट साइड होगी ट्राइंगल की,
और इस साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, ऐसा हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, यानी कि हमको प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलो इसको प्रूव करेंगे, लेकिन प्रूव के पहले यहाँ पे आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है कंस्ट्रक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंस्ट्रक्शन के बिना तो हम इसको प्रूव कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक नया दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर। यानी कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में, देखो कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, पूरा नया राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट ध्यान से सुनना, सच दैट जो हमारा एंगल क्यू होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। और ध्यान से सुनना, ये जो ट्राइंगल है इसकी ये वाली जो साइड है, दैट इज ये जो पी क्यू साइड है, वो किसके इक्वल होगी? ए बी के इक्वल होगी। और इस ट्राइंगल की जो साइड क्यू आर है वो किसके इक्वल होगी? इस ट्राइंगल की साइड बी सी के इक्वल होगी। तो हमको क्या करना है? एक ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो ये सारे कंडीशंस को क्या करता है? फुलफिल करता है। ठीक है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं? एक ट्राइंगल पी क्यू आर बना रहे हैं। और सच दैट सबसे पहले तो क्या कि वो ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और वो किस एंगल पे राइट एंगल ट्राइंगल होगा? एंगल क्यू पे, यानी कि एंगल क्यू 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, और क्या होना चाहिए? कि इस ट्राइंगल की जो साइड पी क्यू है और इस ट्राइंगल की जो साइड ए बी है वो इक्वल होनी चाहिए, और इस ट्राइंगल की जो साइड क्यू आर है और इस ट्राइंगल की जो साइड बी सी है ये इक्वल होनी चाहिए। तो हमने कुछ ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये हमारा नॉर्मल ट्राइंगल है जिसको हम प्रूव करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में हमने एक मस्त हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। क्लियर है ना? तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा कंस्ट्रक्ट करो जिसकी ये वाली साइड इस साइड से कॉन्ग्रुएंट होगी और जिसकी ये वाली साइड इस साइड से कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। चलो प्रूफ करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने क्या करा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, दैट इज इन ट्राइंगल पी क्यू आर। हमारे पास क्या है? ये जो एंगल क्यू है वो 90 डिग्री है, ये तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाला ट्राइंगल है और जो कंस्ट्रक्शन में हमने ट्राइंगल बनाया वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू क्या है? 90 डिग्री है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बिंदास इस ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये जो हमारा पी आर स्क्वायर होगा, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर है? ओके, दैट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये जो पी क्यू जो है, पी क्यू के जगह पे हम लोग ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू और ए बी क्या है? इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो पी क्यू के जगह पे हम लोग ए बी लिख सकते हैं, ए बी और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पे देखो ये जो क्यू आर है उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू आर और बी सी इक्वल है, तो ये क्यू आर की जगह पे आ जाएगा बी सी। ओके, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर। समझ में आया ना ये कैसे लिखा हमने? यहाँ पे रीजन में लिख देंगे हम लोग बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से हम लोग ने ये वाला कदम उठाया है, क्योंकि पी क्यू और ए बी इक्वल है तो इसका मतलब पी क्यू स्क्वायर और ए बी स्क्वायर इक्वल हो गए। क्यू आर और बी सी इक्वल है, इसका मतलब क्यू आर स्क्वायर और बी सी स्क्वायर इक्वल हो गए। ठीक है, तो दैट इज हमको क्या मिल जाएगा? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास गिवन में क्या है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो है, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो है, दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन में ऑलरेडी मौजूद था इस ट्राइंगल के लिए, है ना? तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, रीजन में आ जाएगा गिवन। ये हमारे पास गिवन है,
गिवन में क्या है कि ये जो ट्राइंगल है इसमें एक साइड का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, ये हमारे पास गिवन में ही था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, हमको ये स्क्वायर को हटाना है सपोज करो, तो हम क्या करते हैं, हाँ वेरी गुड, हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर, हमने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि यहाँ पे बचा पी आर इज इक्वल टू ए सी, यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिला, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमको क्या मिला, ये वाली जो साइड है इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है दैट इज ए सी, ये दोनों साइड हमको इक्वल मिले। तो देयरफॉर अब हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, ट्राइंगल पी क्यू आर जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल ए बी सी। अब ये यहाँ पे हमने ऐसे कैसे बोला, देखो ध्यान से सुनना, इसके पीछे का रीजन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या था कि ये दोनों जो ट्राइंगल है ना, ये दोनों जो ट्राइंगल है उनके दो साइड ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट थे, दो साइड ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट थे, वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन से आया, कंस्ट्रक्शन से हमारे पास क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल के दो साइड कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हम लोग प्रूफ में क्या दिखाते हैं, प्रूफ में हम लोग क्या दिखाते हैं कि ये जो तीसरी साइड है ना, ये दोनों ट्राइंगल की ये जो तीसरी साइड है ना, तीसरी साइड वो भी हम क्या दिखा देते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं अब कि ये दोनों जो ट्राइंगल है ना वो क्या होगे, कॉन्ग्रुएंट होगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगे, बाय लिखेंगे हम लोग, बाय साइड टेस्ट, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दो साइड्स तो कॉन्ग्रुएंट क्यों थे, बाय कंस्ट्रक्शन से हमारे पास क्या था कि ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है ना। और हम प्रूफ में क्या दिखाते हैं, जब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इनकी जो थर्ड साइड है ये दोनों ट्राइंगल की वो भी इक्वल हो जाती है। मतलब अब ये दोनों ट्राइंगल्स कोई नॉर्मल ट्राइंगल्स नहीं है, ये दोनों ट्राइंगल्स तो हमारे कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, एंड रीजन बाय साइड टेस्ट। ओके, तो अब हम बोल सकते हैं, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या, अब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स के जो करस्पोंडिंग पार्ट्स हो गए वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, ये दोनों ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। तो मतलब इस ट्राइंगल का अगर एंगल क्यू 90 डिग्री है तो मतलब इस ट्राइंगल का जो एंगल बी होगा वो भी 90 डिग्री होना चाहिए, और वही तो हमको प्रूव करना था। यानी कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर हम अब बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल का जो एंगल Q है और इस ट्राइंगल का जो एंगल B है वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। रीजन में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो देयरफॉर एंगल B जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल Q सिंस करके रीजन लिख देंगे, सिंस एंगल Q जो है वो है 90 डिग्री, इसलिए एंगल बी भी 90 डिग्री हो जाएगा। और यही हमको प्रूव करना था कि एंगल बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या था ये थ्योरम में कि अगर एक ट्राइंगल है उसके एक साइड का जो स्क्वायर है, मतलब लार्जेस्ट साइड होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बट ये लार्जेस्ट साइड होती है उस ट्राइंगल की, तो जो लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो मतलब वो जो ट्राइंगल है वो कोई नॉर्मल ट्राइंगल नहीं है, वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी कि हमको प्रूव करना है कि ये जो लार्जेस्ट साइड है इसके अपोजिट में जो एंगल है वो इस एंगल पे ये हमारा ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज एंगल बी 90 डिग्री है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया सच दैट उसकी ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है वो इस साइड से कॉन्ग्रुएंट है और ये वाली जो साइड है वो इस साइड से कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है जो ये कंडीशंस फुलफिल करता है। तो अभी हमारे पास क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स के दो दो साइड्स तो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन हम यहाँ पे प्रूफ में क्या दिखाते हैं कि ये थर्ड साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। देखो थर्ड साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ना। और ये कैसे आता है, कुछ नहीं करते हैं, सिंपल इसमें क्या करते हैं, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, पी क्यू स्क्वायर की जगह पे ए बी स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि पी क्यू और ए बी इक्वल है, वैसे ही क्यू आर स्क्वायर की जगह पे बी सी स्क्वायर लिख देते हैं।
और उसके बाद इसके जगह पे हम लोग ए सी स्क्वायर लिख लेते हैं गिवन गिवन और ऐसे करके मिल जाता है। तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो एंगल बी और एंगल क्यू कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे करके हम दिखा देते हैं कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम के सारे थ्योरम्स खत्म होते हैं। ओके, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग सर्कल लेसन्स के थ्योरम्स करेंगे, सारे थ्योरम्स करेंगे। एक ही वीडियो में तो नहीं होंगे, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा वीडियोस लगेंगे। लेकिन अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस सीरीज़ को हिट बनाना, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर। और एक बात, आज चिल्ड्रन डे है। ओके, जो वीडियो आज ही देख लेंगे तो उनके लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि आज 14th नवंबर है। मैं आज ही वीडियो बना रही हूँ, आज ही अपलोड कर दूंगी। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड ब्लेस यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और इन्जॉय भी करो, ठीक है। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पढ़ाई 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 करो, नहीं, इन्जॉय करो, पढ़ाई भी करो, रिस्पेक्ट करो छोटों की, बड़ों की, सबकी रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े होते हैं उनकी ही रिस्पेक्ट की जाती है, नहीं, छोटों की भी रिस्पेक्ट की जाती है। जैसे कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, है ना, गलत है इसमें कुछ नहीं, गलत है मतलब रिस्पेक्ट सबकी की जाती है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।